हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाहदम कंपनी की जो टीज आती हैं उनका रिव्यू करने वाले हैं। और आपने चाय तो बहुत पी होंगी, लेकिन अगर वाहदम की अगर आपने आज तक ट्राई नहीं की है तो ख़रीदने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कुछ जो इनकी USP है उनके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली वाहदम एक इंडियन कंपनी है जो कि 2015 के आसपास में स्टार्ट हुई थी। और इन कंपनी का जो मानना है वो ये है कि जो और कंपनियां टीज को बेचती हैं वो मतलब जो नॉर्मली लोग चाय पीते हैं वो 1 साल से 3 साल पुरानी होती हैं और टिपिकली केस में इससे भी ज़्यादा पुरानी होती हैं। और उन चाय में क्या होता है कि फ्रेशनेस भी नहीं हमें मिलती है। और कंपनियाँ क्या करती हैं, जब वो उनको पैक कर रही होती हैं तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो लेटेस्ट वहाँ पर डालती हैं। उस वजह से कस्टमर को पुरानी चाय मिलती है और वो जो चाय का बेहतरीन स्वाद है उसका अनुभव नहीं कर पाता है। और इनका मानना ये है कि चाय को जितना जल्दी से जल्दी हम फाइनल कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं उतना ही ज़्यादा उसको बढ़िया टी पीने को मिलेगा। तो यही इनका USP है कि 175 से भी ज़्यादा इनके अपने हार्वेस्टिंग सिस्टम है जहाँ पे ये चाय को उगाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मार्केट में आपको ऑफलाइन इसकी शॉप नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर जो इसका प्रोडक्ट है आपको वो ऑनलाइन ही मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वाहदम कंपनी की ये टी मैं पहले भी मंगा चुका हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैंने दोबारा नहीं इसके टी का पैक ये ऑर्डर करा और आपके सामने उसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी वाहदम टीज का ये पैक खोल रहा हूँ। मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में और ये मेरा 3 दिन में ही डिलीवर हो गया था और उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अगर आप मंगाते हैं तो आपको हो सकता है डिलीवरी में 1-2 दिन ज़्यादा टाइम लगे। और पिछली बार जब मैंने मंगाया था तो एक टी का पाउच एक्स्ट्रा फ्री आया था और सेम इस बार भी ऐसा आया कि एक हमारा टर्मेरिक टीज का हमारा पैकेट फ्री आया है। और बाकी जो मेरा ये पैकेट है इसमें अभी कितनी टीज निकलती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके साथ कुछ इसकी जो और टीज हैं उनका कुछ मैनुअल आया है और आप देख सकते हैं इन्होंने टीज़ के बारे में बताया है कि कौन सी कॉफ़ी कितने मिनट में तैयार होती है, उसमें कितना दूध डालना चाहिए। और थोड़ा सा टीज़ के टी लवर्स के लिए इनका कुछ मैसेज है, कुछ बातें हैं जो इन्होंने बताई हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था ये कि एक इंडियन कंपनी है, ये बालासरदा हैं जो 2015 में इस कंपनी को स्टार्ट किए थे। और आज के टाइम में इसकी जो टीज़ हैं वो विदेश में भी एक्सपोर्ट होती है, बहुत सारी वेराइटीज़ में ये टी बनाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो हमारा ये पैकेट है इसको मैं एक बार बाहर निकालता हूँ इससे और आप देख सकते हैं वाहदम कंपनी की हमारी टी है। और ये जो मैंने मंगाई थी ये स्वीट सिनेमन मंगाई थी और इससे पहले मैं एक इसकी दूसरी टीज भी मंगा चुका हूँ। और वो जो दूसरी टी है वो ये है जो पहले मैं मंगा चुका हूँ, अब वो है वाहदम इंडियन ओरिजिनल चाय टी। तो बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना दूध वाली। तो मुझे पसंद है वो टीज़ जिसमें दूध हम यूज़ करते हैं और मैंने ये मंगाई थी टीज़। और पहले मैं अपना इस वाली जो टी है इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारी टी है मैं दिखा देता हूँ, मैंने कुछ पैकेट इसके यूज़ कर लिए हैं। बेसिकली उसमें पिछली बार भी 15 पैकेट आए थे तो इसमें ये वाला जो पैकेट था ये हमारा फ्री था। और ये जो हमारी है मसाला चाय रेसिपी, ये मसाला चाय थी जो मैंने मंगाई थी। और इसका जैसे हम पैकेट खोलते हैं और खोलने के बाद भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसमें इलायची की, दालचीनी वगैरह की, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक पैकेट मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। खुशबू को तो आप इसको यहाँ पर फील नहीं कर सकते हैं वीडियो में, बट मैं इसको फील कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने पैकेट खोला है इसमें आपको इलायची के जो छिलके हैं वो दिख जाएंगे, टी दिख जाएगी और साथ में कुछ और भी इसमें कुछ बीज वगैरह हैं, तो उसकी वजह से ये चाय जो है बहुत खुशबूदार बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। और मैंने अपने कुछ और लोगों को गिफ्ट भी दी थी तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आई। और दोस्तों, इसके बाद जो इसकी दूसरी टी है वो है स्वीट सिनेमन और इसको भी एक बार हम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसकी टेप को कट कर दिया है, इसकी जो स्वीट सिनेमन टी है, और ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। और
दोस्तों जैसे मैंने पैकेट भी ये खोला है और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और चाय लवर्स को तो ये बिल्कुल पसंद आने वाली है। और दोस्तों एक बार इसको खोल के देखता हूँ इसमें जो टी का पैकेट है वो किस तरीके का है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा ये वाला टी का पैकेट है इसमें सिनेमन है और बहुत ही लाजवाब इसमें खुशबू आ रही है। दोस्तों ये जो येलो वाली है मसाला चाय ये तो मुझे बहुत पसंद आई थी और अभी स्वीट सिनेमन वाली जो ये टी है जो पिंक वाली बाहर से पैकिंग में है इसको टेस्ट करना अभी रह गया है। एक दो बात और भी मैं बताना चाहूँगा, इनके जो प्रोडक्ट हैं ये सर्टिफाइड हैं कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो टी वगैरह के रिले काम करती हैं। और आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट की डिटेल भी, इसमें ब्लैक टी है 50% जो पिंक वाला है, साथ में इसमें है सिनेमन 30%, कैरेमल है इसमें 20%, साथ में जो इसमें ये दूसरा येलो वाला है इसमें ब्लैक टी है 86% और उसके बाद 4% 3% ब्लैक पीपर क्लोव्स, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भी ये चाय पीनी है तो आप कंपनी की वेबसाइट से मंगा सकते हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे ये 200-200 रुपए के मेरे पैकेट थे, तो आप अमेजोन वगैरह से नहीं मंगाएं, वहाँ पे हो सकता है कई बार आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप कंपनी की वेबसाइट से मंगाएं। तो ये दोनों पैकेट ही 200-200 रुपए के थे और दोस्तों मुझे इस पे मिला था 20% डिस्काउंट, आप देख सकते हैं, साथ में 50 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा था, तो ये मुझे 210-220 रुपए के आसपास का ये पैकेट पड़ा था। और इसकी भी एक्सपायरी जो है वो 2 साल है, 15 पैकेट इसमें निकले 2-2 ग्राम के, और जो हमारा दूसरा पैकेट है इसकी भी एक्सपायरी 2 साल है और इसके भी 15 पैकेट निकले थे। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।